आशीर्वाद मांगना और याचना करने का कोई औचित्य नहीं है, ये तो एक ट्रस्ट है। जो व्यक्ति बहुत आशीर्वाद सीकिंग होता है, बहुत मांगता है, तो उसके अंदर श्रद्धा का अभाव भी होता है, ट्रस्ट का अभाव होता है, लैक ऑफ ट्रस्ट होता है। नहीं तो आप बार बार क्यों मांगेंगे? अगर आपको इतना ही भरोसा है कि वो आ रहा है, वो हमेशा विद्यमान है, तो है, वो आपको चारों तरफ से घेरे हुए है, बार बार मांगने की याचना करने की ज़रूरत तो नहीं। तो बिल्कुल ठीक है, ये जो ढंग है ना मांगने का, वो बिल्कुल ठीक है। और बहुत आता रहता है। हाँ, फिर आप पूछ रहे थे, बैठा हूँ आप, मुझे बहाव आ रहा है। इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। और जैसा कि आपने कहा कि जो आशीर्वाद देता है, जो ऊर्जा ट्रांसमिट होती है, आपको लगता है कि इट्स ए काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, तो क्या होता है उस स्रोत का जहाँ से एनर्जी ट्रांसमिट होती है? तो इसमें ये बात स्पष्ट समझ लें कि आशीर्वाद एनर्जी ट्रांसमिशन नहीं है, नहीं है। आशीर्वाद एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस का डिसेंट होना है, जिसको अरविंद कहते थे अपनी भाषा में, डिसेंट ऑफ सुप्रामेंटल, यानी कि जो कॉस्मिक पूरी एनर्जी है, कॉस्मिक फोर्स है। एनर्जी सबसे हमेशा गड़बड़ हो जाता है लोगों को, कॉन्शियसनेस, तो बस केवल वो आपकी तरफ मुखातिब हो जाती है, आप उसके लिए खुल जाते हैं। ये सोर्स का मसला है। तो सद्गुरु के पास हो के आप उस सोर्स से संपर्क में आते हैं, उस सोर्स से जुड़ते हैं, जो स्रोत है, यानी कि या कहें वो सार्वभौमिकता है या इटर्निटी है, उससे जुड़ते हैं। तो इसमें कुछ कमी नहीं होती, ना कहीं कुछ कम होता है, ना कहीं कुछ ज़्यादा होता है। जो जैसा है, जितना है, वो वैसा ही बना रहता है। Thank you.